हेलो गाइस, तो आप लोग आ चुके हैं मेरे बिंदास यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंटिफिक लॉज ऑफ नेचर। तो अब आप लोग को क्या करना है, लिथियम पोटेशियम इंस्टेंटेनियम। नहीं समझे ना? अरे मैं समझाता हूँ। लिथियम का Li, पोटेशियम का K और इंस्टेंटेनियम का Ex, मीनिंग लाइक्स। मजा आ गया ना? YouTube वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। आज हम आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में बताने वाले हैं, जो कि फिजिक्स के अंदर आता है और क्लास नाइन्थ में पढ़ाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को उससे पढ़ने से पहले एक अमेजिंग सी केमिकल रिएक्शन करनी होगी, जो इस टाइप से है। सबसे पहले आपको मिला होगा सल्फर, यूरेनियम, बोरॉन, अगेन सल्फर, क्रोमियम, आयोडीन एंड बेरिलियम। अगर आप इन एलिमेंट्स के प्रीफिक्सेस को मिला दीजिए तो वर्ड बनता है सब्सक्राइब, ठीक है ना? तो आप लोग को मेरे चैनल पे आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो आप लोग को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में बताने से पहले मैं एक शॉर्ट रिकैप और रिव्यू देना चाहता हूँ मेजरमेंट के बारे में। व्हाट इज मेजर, MUSURENT, ठीक है ना? मेजरमेंट होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बताएंगे आपको हम इसकी डेफिनेशन के बारे में, ठीक है? आप बाजार जाते हैं और आप दुकानदार से कहते हैं कि आप मुझे 1 kg ऑफ शुगर दे दीजिए, ठीक है ना? तो देखिए 1 kg ऑफ शुगर, ठीक है ना? तो ये केजी जो है मेजरमेंट है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना? ये सब आप जानते ही होंगे, तो बचपन से आप लोग जाते होंगे दुकानों पे, तो आप लोगों को बताया जाता होगा घर से कि 1 kg चीनी ले आओ, तो जो इसमें 1 है ना, 1, इसको न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना? न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं इसको, ठीक है ना? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ये 1, और उसके जो मेजरिंग यूनिट है ये है केजी, ठीक है ना? मेजरिंग मेजरिंग यूनिट ये हम लोग की केजी, ठीक है ना? तो यही होती है मेजरमेंट, नाप तौल जिसे कहते हैं। हम लोग नाप के लाते हैं ना हर चीज को, सामान को जो भी लाते हैं नाप के लाते हैं। जैसे मास की यूनिट होती है, मास होता है ना कुछ एक चीज होती है, जैसे ये हमारे पास नोट्स है हमारे, तो ये जो नोट्स है ये भी इसका भी कुछ मास होगा, ये कागज से बने हैं ना, इसलिए इसका भी कुछ मास होगा, ठीक? समझ गए ना? मास है तो मास को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, उसकी SI यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, जिसका शॉर्ट एब्रिविएशन केजी है, ठीक है ना? इतना आप लोग समझ गए? तो हम आपको बता देते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक, आपका देते हैं, ठीक है, हाँ हो गए। तो इसकी देखिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है, मेजरमेंट measurement is thus the comparison of the comparison of unknown physical quantity quantity with a
फिक्स्ड यूनिट क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर, ठीक है ना। ये हमारी मेजरमेंट की डेफिनेशन हो गई। ठीक, इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए बढ़िया। तो आप लोग मेजरमेंट के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक, अब मैं आपको इसके इंटरवेट, इसके सब डेरिवेटिव क्या होते हैं ये सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है ना, और आप लोग को मेरे चैनल पे आके जरूर से लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को। ठीक है, और ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबाया करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं मेरे चैनल को, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब तो जरूर से दबा दिया करिए एकदम। वो घंटी का बटन है ना, उसको इतना बजाइए कि वो टूट जाए। ठीक, तो देखिए, अब देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी का नाम रखा है, फिजिकल क्वांटिटी। ये सब हम अपने नोट्स बना रहे हैं, आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं, और आपको इसके आगे आने वाले चैप्टर्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उस वो है पेपर है। ठीक है ना, पेपर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, पेपर है मेरे पास। अब मैंने बताया आपको पेपर जो है उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ परिमाण होगा। ठीक है ना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी वर्ड्स का भी यूज करता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नी जैसे मान लीजिए पेपर है, उसका हमने कुछ मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड होगा तो उसका हम लोग देखिए उसके इससे एक इक्वेशन डेराइव कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी इंटू साइज ऑफ इट्स यूनिट। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसकी फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या कह दिया, क्यू इज इक्वल टू एन यू। एन क्या दर्शाता है यहाँ पे, न्यूमेरिक वैल्यू, और यू उसका एसआई यूनिट। ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग। जैसे शुगर है, तो शुगर मान लीजिए हम लोग ने अभी पेपर लिया, तो चलिए पेपर ले लेते हैं। पेपर है, हमने पेपर लिया, तो पेपर लिखा हम लोग ने, पेपर लिया और उसकी एन की जगह वन लिखा और यू की जगह केजी लिखा। तो मतलब इसका क्या हो गया, हम लोग पेपर लाए हैं 1 kg। अब ये 1 kg आप जहां तक देखते होंगे बिल्स में लिखा होता है। ठीक है ना, आप दुकानदार के पास जाते हैं तो वो आप लोग को एक बिल पकड़ाता है, तो उसमें लिखा होता है शुगर 1 kg, दाल 2 kg, वीट फ्लोर 5 kg, ऐसे ये जो लिखा है ना 5 kg, तो 5 न्यूमेरिक वैल्यू और kg एसआई यूनिट जिसमें वो तोला गया है। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता देता हूं कुछ यूनिट्स के बारे में। ठीक है ना, यूनिट क्या क्या चीज पे कौन कौन सी यूनिट लगती है। ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट, जैसे आपकी लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट
की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट मीटर, और सेंटीमीटर, ठीक है ना, उससे छोटी सेंटीमीटर, ठीक। ये लेंथ की यूनिट है, लंबाई, जैसे ये मेरा हाथ है तो इसकी कुछ लंबाई है, आपकी भी कुछ लंबाई होगी, ठीक है ना, शरीर की लंबाई होगी लेंथ। और फिर आप देखिए और यूनिट्स, मास, मास, ठीक है ना, मास, मास आपका क्या होता है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है ना, और उससे छोटी कौन सी होती है, ग्राम, ठीक है ना, कुछ चीजें आपको ग्राम्स में दी जाती हैं, कुछ किलोग्राम्स में दी जाती हैं, ठीक है ना। टाइम, टाइम आप तो रोज देखते हैं, टाइम तो आज अभी देखे, मेरी वीडियो भी देख रहे, तो टाइम हो रहा है ना कुछ ना, आपका कुछ टाइम का लॉस हो रहा है आपको, बट वो लॉस नहीं है, वो आप लोग का नॉलेज गेन हो रहा है, ठीक है ना। तो टाइम, टाइम तो बढ़ता रहता है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड, सबसे छोटी सेकेंड होती है, उससे बड़ी मिनट होती है। अभी मैं आपको वीडियो में पूरा समझा दूंगा टाइम के बारे में, क्या होता है, मास क्या होता है, लेंथ क्या होता है, ठीक है ना, ये सब आपको पता है, बट इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है ये आपको बताना है, ठीक। मिनट हो गया, मिनट, और फिर आवर, ठीक है ना, सेकेंड, एक सेकेंड, है ना, वन एस लिखते हैं, 60 सेकेंड मिलके, 60 सेकेंड मिलके एक मिनट बन जाता है, ठीक है ना, और फिर 60 मिनट बनके 1 आवर बन जाता है, ठीक है ना, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, ठीक है ना। किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, एक मीटर, ये एक मीटर वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। एक किलोग्राम जो होता है 1 kg इक्वल होता है किसके, 1000 grams के, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट आ रहा है आप लोग के घर में, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसकी भी तो कुछ यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, उसकी यूनिट क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रिकल करंट की एम्पियर। आप लोग को, आप लोग ने देखा होगा बिजली वालों को आपस में बात करते हुए, या आपके घर में, किसी के घर में अगर बिजली का काम होता है तो उनके मम्मी पापा बोलते होंगे कि 1 एम्पियर का करंट आ रहा है इसमें, 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, 250 वोल्ट का करंट आ रहा है। ये सब आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को ये सारे टॉपिक क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। और आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला, कैंडेला, इसको सी डी से, ऐसे सी और डी, ठीक है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी शायद आप लोग ने ये नया वर्ड सुना होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है वो रिलेटेड होती है लाइट से, ठीक है ना। लाइट की तीव्रता को हम लोग कैंडेला में नापते हैं, ठीक है। और ये सारी यूनिट्स आपकी कौन सी यूनिट है, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट, ठीक है ना, ये सारी बेसिक यूनिट है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। इसका दूसरा नाम क्या है, बहुत सारी बुकों में फंडामेंटल यूनिट के नाम से लिखा होता है, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, हमने दोनों लिख दिया है, ठीक है। तो ये है फंडामेंटल यूनिट, लेंथ, मास, क्योंकि चौक बदल देते हैं, डिफरेंट कलर की चौक से लिखते हैं, आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। निकल जा, निकल जा, निकल गया, ठीक है ना। आपकी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना, ये सब क्या है आपका, फंडामेंटल यूनिट। अब इन्हीं यूनिट से मिलके एक डिराइव्ड यूनिट बनती है, उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ले लिया,
चलिए बढ़िया, मिटा देता हूँ उसको मैं। चौक को रख दे पहले। जरूर से आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सब लोग पढ़ेंगे तो सब लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैं आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए शेयर कर करके वीडियो, तो मैं आप लोग को नोट्स के PDF भी बना बना के देता रहूंगा, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तब आपको नोट्स भी मिलेंगे, ठीक। तो आप लोग ने फंडामेंटल यूनिट देख ली, उसके एग्जांपल देख लिए, बट अभी भी आप लोग से टीचर जी जो है जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वो पूछ सकते हैं कि बेटा जी आप ये बताइए कि फंडामेंटल यूनिट की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फंडामेंटल यूनिट की डिफिनीशन। डिफिनीशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट्स यूनिट दैट कांट बी इंडिपेंडेंट ऑन अदर यूनिट्स कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग डेफिनेशन के स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं जो मैंने लिखा है। वो यूनिट जिसको किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड ना होना पड़े, ठीक है ना, उसको फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं। अभी मैंने इससे पहले आपको कुछ यूनिट्स के एग्जांपल भी दे दिए, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ठीक है ना, टेम्परेचर। ये दूसरे पे निर्भर नहीं करते, ये खुद में ही संपूर्ण है। अगर आप टेम्परेचर बोलते हो तो उसकी 4 यूनिट्स होती हैं, मगर वो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। जैसे टेम्परेचर है, आप लोग को बुखार होता है तो आप लोग थर्मामीटर से क्या नापते हो, अपना टेम्परेचर ही तो नापते हो। तो उसमें क्या कहते हैं, हमारा जो है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हमको बुखार है, ठीक है ना। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में आप लोग नापते हो, ये बहुत बड़ी गलती है। जो आप लोग कहते हो मेरा 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस होता तो आप लोग जलने लगते है। आप लोग पे मम्मी रोटियां सेक रही होती, दाल पका रही होती, 100 डिग्री सेल्सियस में आग लग जाती है, समझे। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है आपका टेम्परेचर, ठीक है ना। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर इसको चेंज करेंगे तो इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में, जो फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड होके आती है। डेराइव्ड यूनिट देखिए, नाम से ही पता चल रहा है इसके कि इसका मीनिंग क्या है। डेराइव्ड मतलब दो यूनिट के मिलने से बनने वाली राशि, ठीक है ना, डेराइव्ड यूनिट। तो चलिए डेराइव्ड यूनिट के बारे में बताते हैं, ठीक। तो जैसा कि आप लोग स्पीड जानते होंगे, स्पीड भी एक डेराइव्ड यूनिट का पार्ट है। स्पीड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या अभी मैंने बताई, डिस्टेंस किसमें लेंथ होती है, डिस्टेंस टू लेंथ होती है, तो उसकी यूनिट मीटर, और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो इसकी
स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसमें दो चीजें आ गई ना, इसकी एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ठीक है ना, एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्पीड की, ठीक है ना। आप एसआई से मतलब रखिए सिर्फ, अभी सीजीएस एनकेएस अगर टैकल होता है क्वेश्चंस के बीच में तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, तो उसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और न्यूमेरिकल में जो डाटा होता है उसको टैकल कैसे करते हैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, ठीक है ना। ये देखिए डिस्टेंस, ये तो आपको मैंने बता दिया। तो इसमें आपने क्या देखा, आपने देखा कि इसमें दो अलग अलग यूनिट, दो अलग अलग यूनिट एक नई चीज को जन्म दे रही है जो कि है स्पीड। जैसे ये है, ये चौक यहाँ पे इसका इनिशियल पोजीशन रेस्ट है, ठीक है ना, इनिशियल पोजीशन ये रेस्ट में। अब देखिए मैंने यहां तक इतनी लाइन खींच दी, तो कितनी तेजी से लाइन खींची ना, स्पीड होगी। तो मैंने मान लीजिए ये 1 मीटर है, 1 मीटर की लाइन मैंने खींची, ठीक, और 1 सेकंड में खींच दी, ठीक है ना, 1 सेकंड में खींच दी, तो क्या होगी मेरी स्पीड, 1 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैंने ये लाइन ए बी खींची, ए से बी तक पहुंचने में मुझे 1 सेकंड लगा, और 1 सेकंड में मैं 1 मीटर दूर गया, ठीक है ना। अब ये हो गए स्पीड, एक होती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आप टर्म्स पढ़ रहे होंगे अपनी बुक्स में, पीडीएफ में, जो भी आपने डाउनलोड करके रखे हैं तो उसमें आप लोग ये सब टर्म को यूज होते देखते होंगे, ठीक। अब देखिए डेंसिटी, डेंसिटी आपके डिराइव्ड यूनिट में आती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी आती है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि डिराइव्ड यूनिट जो होती है, डिराइव्ड यूनिट स्पीड की होती है, वैसे ही डेंसिटी की होती है, वेलोसिटी की होती है, और आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ठीक है ना, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, संवेग जिसको कहते हैं, ठीक है ना, आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ मोमेंटम, जो बच्चे हिंदी मीडियम के। डेंसिटी को घनत्व कहते हैं, घनत्व, ठीक है ना। वेलोसिटी को हम लोग वेग कहते हैं, ठीक है ना, वेग। एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं, ठीक है ना, त्वरण, ठीक है ना। मोमेंटम को, मोमेंटम को हम लोग संवेग कहते हैं शायद, संवेग, ठीक है ना, संवेग। अगर हिंदी में कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी हिंदी इतनी बेटर नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा हूँ तो मेरी इंग्लिश ज़्यादा मजबूत है, थोड़ी हिंदी में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसकी जो स्पेसिफिक हिंदी होती है ये होती है, ठीक है ना। इतनी मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक, इतना आप काम कर दीजिएगा मेरे लिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं मेरे लिए, तो मेरी आप हिंदी थोड़ी सुधार दें, मैं भी आपको कुछ दे रहा हूँ तो आप भी मुझे कुछ दीजिए, ठीक है ना। मोमेंटम, अब देखिए इसी में आर और चीजें भी आती थी, जैसे फोर्स आ जाता है, फोर्स मतलब बल, ये तो आप सबको पता है बल, ठीक है ना। और आपका फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आपने सुना होगा, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, कल दिख नहीं रहा होगा, चार्ज, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आपको इसके सेकेंड पार्ट में इसके आगे आने वाली चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।